बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ 3 काइंड्स ऑफ टेस्टी ऑमलेट्स, जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत इजी में मैं बना रही हूँ। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ अंडे लिए हैं, इसको मैं सबसे पहले तोड़ लूँगी और इसको बीट करके साइड पर रख दूँगी। यहाँ पर 3 अंडे पड़े हैं, लेकिन बेसिकली मैं इसमें 4 अंडे डालूंगी। मैं 3 काइंड्स ऑफ ऑमलेट बनाऊंगी और हर एक में 2 अंडा ईच यूज़ करूँगी। यहाँ पर पहले मैं 4 अंडे यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद 2 अंडे अलग से फोड़ के बना लूँगी। तो चलें इसको अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम वेस्टर्न ऑमलेट बनाएंगे, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लें। बटर चाहिए, हमें स्प्रिंग अनियन चाहिए, इसके अलावा हमें टोमेटो चाहिए, हॉट डॉग चाहिए, आप हॉट डॉग की जगह ब्रेकफास्ट चिकन या सॉसेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, कैप्सिकम चाहिए और हैंडफुल ऑफ श्रेडेड मोज़रेला या चेडर चीज़ चाहिए। तो चलिए इसे बनाती हूँ। एक पैन ले लें, पैन में सबसे पहले आप डालें 1 टेबल स्पून ऑफ बटर। बटर को हिला मिला कर मेल्ट कर लें। अब जैसे ये मेल्ट हो जाए, 2 अंडे जो हैं उसमें डाल दें। अंडों को डालने के बाद ना आप इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ऊपर से, क्योंकि हम इसे उलट पलट के नहीं पकाने वाले, एक ही साइड से ये पकेगा और बाद में ये फोल्ड होगा। तो इसको आप हिलाते बिलाते रहें, बीच बीच से भी इस तरह खोलते रहें ताकि पूरा ये पक जाए, और इस तरह खोलने से ये पक जाता है, बिलीव मी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। ये देखें, पक गया ना ऊपर से। ऊपर से आप डालें इस पर स्प्रिंग अनियन काट के, वाइट और ग्रीन दोनों ही पार्ट थोड़ा सा डालें, जिस हिसाब से आपको जितना डालना हो। उसके ऊपर आप डालें क्यूब्स टोमेटो, इसको मैंने क्यूब फॉर्म में छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं, और ये भी आपको जितना डालना डालें, दिखा रही हूँ मैं आपको, इतना डालना सही होता है। अच्छा, हॉट डॉग्स को मैंने इस तरह मून शेप में काटा है, ये कुक्ड है, अगर आप इसको मजीद कुक करना चाहें तो कर लें, लेकिन आप इसमें ऐसे भी डाल दें तो ये पक जाते हैं ना बाद में। उसके अलावा आप कैप्सिकम कट करके डालेंगे, वो भी क्यूब फॉर्म में ही काटें, एक जैसा शेप हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है ऑमलेट के अंदर। ऊपर से आप डालें हैंडफुल ऑफ श्रेडेड चीज़। यहाँ पर मैं मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो चेडर भी यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ डालने के बाद थोड़ा सा इसको फ्लेवर करेंगे चिली फ्लेक्स से, सॉल्ट से और पेपर से। हमने अंडे पे फेंटते हुए कुछ भी नहीं मिलाया था, जो भी डालना है इसको आपको अभी डालना है, तो हर एक में अलग अलग फ्लेवर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कवर करके पकाएं लो आँच पर 2 मिनट के लिए, और उसके बाद ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। नॉन स्टिक पैन होने की वजह से आसानी से फोल्ड हो जाएगा, और ये देखें तैयार है हमारा लश पश सा लोडेड ऑमलेट। निकाल लें इसको साइड पे, क्योंकि इस ऑमलेट में प्रोटीन और ग्रीन्स हैं, तो इसको मैं सर्व करती हूँ किसी भी गार्लिक ब्रेड या गार्लिक टोस्ट के साथ। तो ये देखें तैयार है हमारा मज़ेदार सा, बहुत ही लोडेड सा, बहुत ही हेल्दी सा वेस्टर्न ऑमलेट। दूसरा जो ऑमलेट मैं बना रही हूँ वो है स्पिनच और चीज़ ऑमलेट। उसके लिए मैं लूँगी स्पिनच, स्प्रिंग अनियन और हैंडफुल ऑफ मोज़रेला या चेडर चीज़। दोबारा से पैन गरम करें, फिर से डालें 1 टेबल स्पून ऑफ बटर, उसको मेल्ट कर लें हिला मिला के। उसके ऊपर डालें 2 अंडे बीट करके, और इसको भी आप इसी तरह बीच बीच में खोलते रहें ताकि अंदर से ऊपर नीचे हर तरफ से पक जाए। ये देखें पकना शुरू हो गया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सीजनिंग, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा फ्रेशली ग्राउंड पेपर और चिली फ्लेक्स। ये सब ऐड करने के बाद जो स्प्रिंग अनियन हमने रखा था ना, उसको मैंने काट के रखा है वाइट पार्ट, वो डाल दें इसके अंदर। और इसके अलावा जो हमने स्पिनच रखा था ना, ये बेबी स्पिनच है, इसको मैंने थोड़े बड़े बड़े से काटा है, इस तरह काट के डाल दें। आप थोड़ा छोटा भी काट सकते हैं, बड़ा भी काट सकते हैं, बच्चों के लिए बेस्ट आइडिया होता है जो ऐसे नहीं खाते ना, ये पालक वगैरह आसानी से इस तरह ऑमलेट की फॉर्म में फ़ौरन खा लेते हैं। अच्छा, ये स्पिनच एंड चीज़ है तो इसके अंदर चीज़ काफ़ी सारा जाता है, इसमें डाल दें अंदर। अब किसी अच्छे स्पैचुला की मदद से इसको फोल्ड कर लें, इसको हमें पकाने की उलट पलट करने की ज़रूरत नहीं, ये ऊपर नीचे हर तरफ से पक चुका है, बस इसे फोल्ड कर लें। अब इसे आप ढाँक कर पकाएं बिल्कुल धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए, ताकि अंदर से स्पिनच भी अच्छी तरह पक जाए। तो ये देखें हमारा ऑमलेट बिल्कुल रेडी है, इसको हम प्लेट कर लेते हैं, और इसको मैं सर्व करती हूँ बटर टोस्ट से। बटर टोस्ट के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है, साथ आप वेजिटेबल्स या थोड़ा सा सैलड या कोई सा फ्रूट भी रखें, बच्चों को योगर्ट भी दे सकते हैं साथ साथ, बहुत ही अमेजिंग होता है। तो ये लीजिए फटाफट स्पिनच और चीज़ ऑमलेट रेडी है। अब तीसरे काइंड ऑफ ऑमलेट के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मशरूम, उसके अलावा मैं यहाँ पर लूँगी हॉट डॉग, पार्सली और स्लाइस चीज़। और ये ऑमलेट है चीज़ी मशरूम ऑमलेट। चूँकि हमें मशरूम को पकाना है, इसलिए पैन को पहले ग्लेज़ कर लें और हॉट डॉग और मशरूम को हल्का हल्का सा फ्राई कर लें।
हॉट डॉग कुक होते हैं, इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पहले ऑमलेट में हमने बिल्कुल भी नहीं पकाया था, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई करके चेंज करके डालना चाहती हूँ। थोड़ा सा मैंने हॉट डॉग को फ्राई कर लिया है, अब मैं इसमें मशरूम डाल रही हूँ, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था, तो वो डालें, उसको भी हल्का हल्का फ्राई कर लें, और जैसे ही सारे फ्राई हो जाए ना, बस थोड़ा सा ही कलर चेंज हो जाता है और फ्राई हो जाते हैं, तो इनको निकाल कर साइड पर रख लें। अब हम दोबारा से पैन लेंगे और पैन को दोबारा से ग्लेज करेंगे बटर के साथ। बटर के साथ ग्लेज करने के बाद इसको मेल्ट करेंगे हिला मिला के, और फिर हम इसमें डालेंगे दो अंडे अगेन। दो अंडे मैंने दोबारा से पेट लिए थे इनके लिए, क्योंकि चार अंडे पहले फिनिश हो चुके थे। दोबारा से आप अंडों को उसी तरह पकाएं, ये देखें खोल खोल कर जब आप इस तरह पकाते हैं ना, बार बार खोलते रहते हैं, तो ये नीचे से और ऊपर से पूरा पक जाता है। तो जैसे ही हमारा कुकिंग हो जाएगा, इसको थोड़ी सी सीजनिंग डालें, सॉल्ट डालें, फ्रेशली ग्राउंड पेपर डालें, और ऊपर से डालें आप इसमें इटालियन सीजनिंग। इसमें मैं इटालियन सीजनिंग डालती हूँ, उसके साथ ये बहुत मज़े का लगता है। ऊपर से डालें आप हॉट डॉग और मशरूम्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। एवरीथिंग ऑल कुक्ड है अंडे के साथ, तो बस इसको फोल्ड कर लें, पहले ढाँक कर पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके ऊपर आप डालें दो चीज़ स्लाइसेस, आप इसमें श्रेडेड चीज़ भी डाल सकते हैं, जो दिल चाहे डालें। मैं इसमें इस तरह स्लाइस चीज़ डालती हूँ जस्ट टू मेक अ डिफरेंस, और उसको फिर ढक के पकाती हूँ बिल्कुल धीमी आँच पर 2 मिनट के लिए। चीज़ मेल्ट हो गया, उसको ऊपर से गार्निश करें आप फ्रेशली चॉप पार्सले के साथ, या आप चाहें तो कोरिएंडर यानी हरा धनिया से भी कर सकते हैं। इसको प्लेट करें, इसको हम सर्व करते हैं टोस्ट के साथ अगेन, और कोई भी फ्रूट रख दें, योगर्ट रख दें साथ, जो दिल चाहे खाएं। ज़बरदस्त ऑमलेट तीनों रेडी है, आसान है, ज़रूर बनाएं, और ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। थैंक यू।